कुन कंसल्टेंसी आपको ज़िंदगी के कई डायमेंशंस में मदद फराहम करती है, यानी हेल्थ में, एजुकेशन में, फैमिली में, पर्सनालिटी में और बिजनेस में। फैमिली कंसल्टेंसी और फैमिली काउंसलिंग में हमारे की पॉइंट्स ये हैं: पेरेंट्स को मेंटोर बनाना, वालिदैन को सबसे पहले अपने ब्रेन के फिल्टर्स को दुरुस्त करना चाहिए, वो सिखाना, बच्चे की ट्रू नीड्स का तायुन करना और फिर इसे ट्रू अंदाज से पूरा करना, चेंज बैड हैबिट्स ऑफ चाइल्ड बाय कॉग्निटिव बिहेवियर रिहैबिलिटेशन थेरेपी, डिज़ाइन फैमिली डिसिप्लिन बुक अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज, ट्रेनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, डाइट प्लान हर फैमिली मेंबर का उनकी हेल्थ को देखते हुए कैसे बनाना चाहिए इसकी ट्रेनिंग देना, शॉर्ट कोर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मदर एंड फादर, दोनों की जिम्मेदारियाँ अलहदा अलहदा कैसे होनी चाहिए, बच्चों के लिए कैसे गेम्स को डिज़ाइन करना है ताकि उनका ब्रेन, बॉडी एंड हेल्थ जो है वो एक साथ रिस्पॉन्स कर सकें, असर्टिव कम्युनिकेशन बाय स्टोरी टेलिंग थेरेपी, हर हफ्ते एक घंटे का सेशन जिसमें मिलेगा आपको बहुत कुछ, जैसे शॉर्ट कोर्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के आपस के झगड़ों को कैसे जो है वो ख़त्म किया जा सकता है, शॉर्ट कोर्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सकता है, शॉर्ट कोर्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हर इंसान की पर्सनालिटी अलहदा अलहदा होती है उसके हिसाब से कोर्सेज, शॉर्ट कोर्स ऑफ आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, शॉर्ट कोर्स ऑफ पेन मैनेजमेंट और इसके साथ साथ शॉर्ट कोर्स ऑफ फीमेल डिजीजेस, शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रीटमेंट विथ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऑफ मेडिसिंस, मेडिसिंस की नो हाउ किस तरह से होनी चाहिए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको किसी भी इदारे की जानिब से फैमिली काउंसलिंग में इतनी ज़्यादा सहूलियात और आसानियाँ एक साथ नहीं मिलती, तो बग़ैर किसी इंतज़ार के हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए राब्ता कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा किया हमने अल्लाह ताला के नाम से जो तन्हा इबादत के लायक है, आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। आप और मैं इस चीज़ पर भी कमिटेड हैं कि इल्म का माख़िज़ कुरान मजीद और सब पहुँचने का रास्ता मेरे रहती की सुनना। सही चल रहे हैं सिलसिले, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा चलना चाहिए वैसे ही चल रहा है। ग्रूमिंग के बहुत लोगों ने पसंद किया और उसका आउटपुट भी नज़र आया कि लोगों ने जब अपने उसको चेक किया तो 5% भी लोग अपनी ग्रूमिंग पे नहीं लगाते। जिन चीज़ों पे लगाते हैं वो कभी मैं डेटा शेयर करता हूँ, लोगों ने खुद मेरे साथ ये डेटा शेयर किया है। ऐसे ऐसे मेरे पास लोग मौजूद हैं कि आप यकीन करें कि उनके 5-5, 7-7 लाख रुपए तनख्वाह है और वो मुझसे अपने पेरेंट्स के बारे में कह रहे हैं कि ज़कात की मद में कंसेशन मिल जाएगी। बोलते हुए भी शर्म आती है ऐसी बातें, लेकिन ये माशरे की तलख हकीकतें हैं। आ जाता हूँ मैं पिछली चीज़ों से कुछ पॉइंट्स निकाल के डिस्कस करता हूँ और फिर आज की गोल्डन बात बताने की कोशिश करता हूँ। किसी सेशन में बात हुई थी कि हम तौबा क्यों करें जबकि हमने कुछ किया ही नहीं। लोगों को ये समझ ही नहीं है। हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो दिन में खुद 100 दफ़ा तौबा किया करते थे। हमारी तो कसरत से बनती है, हम बात बे बात, हम सुबह उठने से लेके खाना खाने, नहाने धोने, मिलने मिलाने, सब चीज़ों पे इतनी गलतियां करते हैं कि अल्लाह रहमान और रहीम ना होते तो मैं नहीं समझता कि किसी भी तरीके से हमारी बचत हो सकती थी। तो भाई इसी बात पे तौबा बनती है, और जब आप तौबा नहीं करते तो आप गुनाहों में इस तरह से डलना शुरू हो गया हो, जैसे बड़ी अच्छी सी एक मिसाल मुझे लगती है कि जैसे आप जो होता है ना गटर का गंद, उसमें बैठे हुए हो और आप बोल रहे हो देखो मैं कितनी साफ सुथरी जगह पर हूँ, मैं अगर इस चीज़ को देखूं तो मैं तो कितनी वो है पाकीज़ा जगह पे बैठा हूँ। तो कोई बाहर वाला देखकर आपको बताए कि यार आप इसमें बैठे हुए हो, गटर के गंद में बैठे हुए हो, लेकिन नहीं समझ में आएगी। तो जब तक ये तौबा करेंगे नहीं, यानी कि किसी भी वजह से अल्लाह ताला इनको हदायत दें कि ये तौबा करें, तो फिर इनको समझ में आ सकती है, वरना नहीं समझ में आ सकती।
अच्छा, जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो बच्चे खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएंगे। ये गलत सोच है, ये बिल्कुल गलत सोच है। कि अक्सर मैंने देखा है, ऐसे भी एक दफ़ा एक शादी में जाने का इत्तफाक हुआ, तो उनकी ख्वातीन जो थी वो इतना यानी कि पर्दे का लिहाज रखने वाली कि क्या कहने। और उनकी बेटी ने लव मैरिज की जिसके साथ वो शराबी कबाबी जानी लड़का था। तो बहुत सारी सीनियर ख्वातीन ने मेरे से कहा ऐसा क्यों। मैंने कहा इन्होंने दीन समझा ही नहीं, इन्होंने ये समझा कि सिर्फ सजदे कर लेना, नमाज रोज़ा ज़कात बस ये हो गया तो अदायगी हो गई। नहीं 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 नहीं, दीन में एक एक चीज़ आपने सीखनी है। उसमें क्या है, ये भी सीखना होता है कि अगर किसी की तरबियत की जाए तो उसके स्टेप्स कौन से होते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों पे अफसोस करता हूँ जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और सिर्फ पैसा घर भेज रहे हैं और वो समझते हैं उनके बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत हो रही होगी। नहीं, माँ बाप दोनों को इक्वली टाइम देना है। अगर वो बच्चों को इक्वली टाइम नहीं देंगे तो ये हो ही नहीं सकता। तो क्या है कि आपका पॉजिटिव सोचना ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप आपको ये सीखना है कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है। तीसरा स्टेप वो एक्शंस आपने लेने हैं। चौथा स्टेप वो आपने फीडबैक लेना है। पांचवा स्टेप उसको रीलर्न करना है। छठा स्टेप किसी दूसरे से अकाउंटेबिलिटी करवानी है, यानी कि मेंटोर से। अगर आप ये सारे काम नहीं करते तो फिर आप सीडो वर्ल्ड में रहते हैं, झूठी दुनिया में रहते हैं। पैसे का लालच किस तरह गुमराह करता है? पैसे का लालच हमारी कौम का फितना है। पैसे का लालच किस तरह से गुमराह करता है? खुदा बन जाता है। जब आप लोगों को पैसे के लिहाज से कंपेयर करना शुरू कर देते हो कि आप किसी को इज्जत उसके पैसे की वजह से देते हो, आप किसी को इज्जत उसकी गाड़ी और उसकी वजह से, कपड़ों की वजह से देते हो, अगर आप उनको इज्जत उनके महंगे मोबाइलों की वजह से देते हो, तो इसका मतलब ये है कि पैसा आपको गुमराह कर रहा है। अगर नीड से ज़्यादा की ख्वाहिश करोगे तो भी पैसा आपको गुमराह कर रहा होगा। इल्म के मुकाबले में अगर कभी पैसे को खड़ा कर दोगे तो भी पैसा आपको गुमराह कर रहा होगा। अगर हर चीज़ का पैमाना आपने पैसा बना लिया है तो यकीनन आप गुमराही की तरफ जा रहे हैं। आज की गोल्डन बात, कल मेरा गुजरात का एक सेशन चल रहा था, मास्टर ट्रेनर है वो लड़की भी, तो वो मुझे कहती है कि मैं इसकी कुरान की तिलावत विद तर्जमा तफसीर कर रही थी, तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो वाक्या आया जब उनसे गलती सरजद हो गई, अल्लाह ने हमें समझाने के लिए उनसे गलती करवाई, तो उनको जो पहली सज़ा मिली वो क्या थी? मैं समझ गया उनकी बात को। तो मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या पहली सज़ा बनती है, तो उस सतर का बरहना होना। देखें, जो सज़ा के तौर पे दिया गया वो आज हमने फैशन अपना लिया। यानी कि ये समझ लें कि हम शैतान की मोहब्बत में इतना आगे चले गए कि जो रब ने ये कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये तो सज़ा है, और आपने देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन वहाँ पे उसके पत्तों से अपना जिस्म ढांपने की कोशिश की ताकि ऐसा ना हो, हम इसका उलट काम कर रहे होते हैं। तो गोल्डन बात आज की ये है कि हमें तारीख से ये चीज़ सीखनी है कि, और कुरान और हदीस में बहुत चीज़ें वाज़े तौर पे मौजूद हैं। करेक्टर बिल्डिंग की जितनी अच्छी किताब इसको देख के लिखी जा सकती है, और मैंने एक लिखी भी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अंडर द शैडो ऑफ होली कुरान द सीरत ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के बेहतरीन से बेहतरीन किताब बनती है। तो आपने वहाँ से सीखना है। तो हर वो अमल करना है जो रब को पसंद हो। बड़ा आसान सा काम है ज़िंदगी गुजारना। आप हर वो अमल करें जो रब को पसंद है।
आप जो है पैसे के लिए ज़िंदगी गुजारे तो आपको समझ आ जाएगी आपको ये पसंद है नहीं पसंद। आप किसी लड़की या लड़की की वजह से दीन से गुमराह हो रहे हैं आपको सोच लें कि आपको पसंद है नहीं पसंद। आप माँ बाप की खिदमत को छोड़ के जॉब के लिए जॉब के लालच में किसी और जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो ये आप सोच लें रब इससे खुश होगा नहीं होगा। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया किसी ने माँ बाप को बुढ़ापे की उम्र में पाया और उनकी खिदमत कर किए बगैर यानी खिदमत करके जन्नत में ना जा सका तो कितने सख्त अल्फाज हैं। बहरहाल गोल्डन बात आज की ये है कि कुरान से ये चीज़ सीखें जैसे उस लड़की ने सीखा हर उसमें कि हर आयत में हमारे लिए क्या चीज़ है। इसलिए कि कुरान जो है वो बेसिकली दो तरह के मायने में होता है। रमज़ान सीरीज़ में आपने देखा होगा एक मायने ख़ास होता है एक मायने आम होता है। मायने ख़ास उस मौके के लिहाज से जो भी चीज़ लिखी गई वो होगी और मायने आम हमारे लिए कि हमारे हमने देखना है कि इसमें से करेक्टर बिल्डिंग की हमारे पे कौन सी सिफ्त आ रही है। तो मेरा ख्याल से इसको लंबा नहीं करते बात बड़ी सादा सी है। एक पेज पढ़ें सिर्फ 5 से 8 लाइंस पढ़ें लेकिन उसको अपने ऊपर मैप करें। जब तक आप कुरान और हदीस को अपने ऊपर मैप नहीं करेंगे लिखवा लें मेरे से कोई तब्दीली नहीं आएगी बल्कि गुमराह दर गुमराह होते रहेंगे। अगर मैं पैगाम अपना पहुंचाने में कामयाब हो गया तो इस दुनिया और उस दुनिया में गवाही ज़रूर दे दीजिएगा। तालबे दुआ मोहताजे दुआ अस्सलामु अलैकुम।